बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एआई एनिमीज बनाने जा रहे हैं और हमारे पास जो नया सिस्टम है इन्वेक्टर का, उसमें लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं जिसमें हम डिफरेंट किस्म के एआई एनिमीज बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एआई एनिमी बनाने के लिए आपको सबसे पहले इन्वेक्टर पे जाना होगा और यहाँ पे आपको जो पुराना इन्वेक्टर था उसमें हम माली कंपेट में जाके क्रिएट सिंपल माली एआई बना सकते थे। और इसी तरह शूटर की भी एआई कंट्रोलर बनाया जा सकता था। लेकिन अब जो नया सिस्टम है उसमें हम एआई कंट्रोलर पे जाएंगे और क्रिएट न्यू एआई इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ सबसे पहले हमने एनिमी के लिए मॉडल चूज़ करना है और उसके बाद एनिमेटर कंट्रोलर और एफएसएम बिहेवियर कंट्रोलर। तो हमारे पास जो मॉडल्स हैं उनमें से हम देख लेते हैं कि हम क्या यूज़ कर सकते हैं। ये सिविलियन मॉडल्स हैं हमारे पास कुछ, तो अगर इनको देखा जाए, ह्यूमनॉइड है ये भी और ओके, ये भी ह्यूमनॉइड है, तो इनको हम चूज़ कर लेते हैं। एक सिविलियन को सबसे पहले हम चूज़ करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम एक डिफरेंट किस्म के एनिमीज बनाएंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि हम एआई एनिमीज कैसे बनाते हैं। तो इसको ड्रैग ड्रॉप करते हैं यहाँ पे, एनिमेटर कंट्रोलर पे जाएंगे और हम यहाँ पे जो है वो इन्वेक्टर एआई एनिमेशन कंट्रोलर होगा। ये आप देख सकते हैं एआई शूटर माली कंपैट एंड बेसिक लकोमोशन। आप इनमें से तीनों में से कोई चूज़ कर सकते हैं। हम बेसिक लकोमोशन चूज़ करते हैं और एफएसएम बिहेवियर कंट्रोलर में हमारे पास डिफरेंट बिहेवियर्स हैं जिसमें हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो चूज़ कर सकते हैं एनिमी। तो हम सिविलियन फाइटर जो है वो चूज़ कर लेते हैं अभी, यानी हमें सिविलियन एक चाहिए जो कि फाइट भी करे। तो इसको चूज़ करने के बाद हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे और हमारा एनिमी जो है वो बन चुका है। एनिमी को हम ले आते हैं फॉरवर्ड के पास ताकि हम उसको बेहतर तरीके से देख सकें और एनालाइज कर सकें। एफ प्रेस करते हैं, इसके करीब लेके जाते हैं और इसको रोटेट करते हैं ऐसे और मज़ीद इधर करीब लेके जाते हैं। अच्छा जी, अब हम एनिमी जो है हमारा उसमें हमने कुछ सेटिंग्स करनी है और एक और काम करते हैं। हम प्रीफैब्स में जाते हैं और यहाँ पे हम जो है वो कैरेक्टर्स की बजाय एनिमीज़ में जाते हैं, एनिमीज़, और यहाँ पे हम यूँ कर लेते हैं कि एक फोल्डर बनाते हैं और इस फोल्डर को नाम दे देते हैं। बस फोल्डर नहीं बनाते, बस सिंपल जहाँ पे हम प्रीफैब्स एनिमीज़ की ऐड करते जाएंगे कंप्लीट करने के बाद, तो दैट विल बी गुड। हम इसको रीनेम कर लेते हैं, इसको कहते हैं सिविलियन एनिमी। और अब इसकी कुछ हमने सेटिंग्स करनी है। तो राइट साइड पे हमने सबसे पहले चेक करना है कि टैग और लेयर इसकी एनिमी होनी चाहिए। अगर आपकी लेयर नहीं बनी हुई तो आपने लेयर भी आप बना सकते हैं जिस तरह से हम टैग बनाते थे। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं एनिमी के लिए। इसके बाद आप नीचे हम आएंगे और यहाँ पे हमारे पास है एफएसएम बिहेवियर कंट्रोलर, इसको ओपन करते हैं और इसको अभी फ़िलहाल हम छोड़ देते हैं, ये हमें इंस्टेंटली सेटअप नहीं करना। एआई माली कंट्रोलर ये दूसरा हमारे पास ऑप्शन है।
इसको आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। इन ऑप्शंस को हमने थोड़ा सा सेटअप करते हैं, इनमें से कुछ चीज़ों को। सबसे पहले हम इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डिटेक्शन। डिटेक्शन में जब आते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं डिटेक्शन पॉइंट रेफरेंस, ये एक ऑप्शन आ रहा है जिस पे ये कहता है कि इसकी मेन डिटेक्शन जो है वो कहाँ पे होगी। तो हमने इसका एक पॉइंट बनाना है, मेन डिटेक्शन पॉइंट। तो मेन डिटेक्शन पॉइंट बनाने के लिए हम इस मॉडल को एक्सप्लोर कर सकते हैं यूँ, और इसकी फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं आई शेप्स हैं, हेड शेप है जैसे, और हेड शेप को अगर हम चूज़ करते हैं तो उसका उसकी प्लेसमेंट आप देख सकते हैं वो नीचे है। ये चूँकि सिविलियन इतना ज़्यादा ये डिटेल में नहीं है मॉडल, तो हम यहाँ पे एक जो है वो ऐड कर सकते हैं एक नया गेम ऑब्जेक्ट, यहाँ पे रूट पे ही ऐड कर लेते हैं क्रिएट एम्प्टी, और इस गेम ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं आईज रेफरेंस पॉइंट, कह देते हैं पॉइंट। और अब इस गेम ऑब्जेक्ट को हम एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे तकरीबन जहाँ पे हमारे प्लेयर की एनिमी की आईज हैं वहाँ पे इसको ले आते हैं यूँ। और जो बस हमने इसको सेटअप कर दिया, ये हमारा मेन पॉइंट है, ठीक है। अगर आप जाते हैं सिविलियन एनिमी पे और ऑप्शंस में से डिबगिंग भी ऑन कर देते हैं तो आपको ये नज़र भी आएगा कि ये इसकी रेंज कहाँ तक है, इसका व्यू पॉइंट कहाँ तक है। अभी हम वो भी करके देखेंगे। ये डिबग है, ये देखें डिबग विजुअल डिटेक्ट, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी विजुअल डिबगिंग कहाँ तक है, ठीक है। इसकी ये दो सर्कल्स हैं और ये वाला जो फर्स्ट सर्कल है यहाँ पे ये डिटेक्शन करेगा अपने एनिमी को, इसको ये चेक हो जाएगा, और इन सर्कल को का एरिया भी जो है वो बढ़ाया जा सकता है। एनी हाउ हमने जो साइट क्रिएट की है जो नया गेम कंपोनेंट आईज रेफरेंस पॉइंट, इसको हम जो है वो ड्रैग ड्रॉप करेंगे डिटेक्शन पॉइंट रेफरेंस पे, और उसके बाद हमने कुछ और सेटिंग्स करनी है। और वो सेटिंग्स ये हैं कि आप नीचे आएंगे और लेयर्स टू डिटेक्ट है, जहाँ से आपने प्लेयर को चूज़ करना है क्योंकि प्लेयर को ये एनिमी डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट टैग्स में से भी प्लेयर को चूज़ करना है। और ये दोनों काम करने के बाद हमने वी मैली मैनेजर में आ जाना है, इसको एक्सप्लोर करना है और इसको ओपन करना है। तो अब आपको यहाँ पे डिफरेंट और ऑप्शंस भी नज़र आ रहे हैं। तो इसमें आपने डिफ़ॉल्ट इन्फो को अगर हम ओपन करें तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डैमेज लिखा हुआ है कि ये जब आप फॉरवर्ड को मारेगा तो ये कितना डैमेज करेगा। और इसी तरह से आपके पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है माली मैनेजर में वो हिट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसको आपने एक्सप्लोर करना है ऐसे और हिट डैमेज टैग्स को ओपन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइज़ 1 और एलिमेंट 0 जो है वो एनिमी है जिसको हमने चेंज करना है प्लेयर में, क्योंकि ये एनिमी जो है वो प्लेयर को डैमेज कर सकता है, ठीक है। और ये बेसिक सेटिंग्स थी जो कि हमने अप्लाई कर दी फॉर दिस सिविलियन एनिमी, और होपफुली अब ये बिल्कुल सही काम करेगा। और इसमें ये है कि हमने अभी कोई जो है वो वे पॉइंट वगैरह और इस तरह की सेटिंग नहीं की, और वो सेटिंग्स भी हम कर सकते हैं। कम्बैट सेटिंग्स में अगर आप जाते हैं, कम्बैट सेटिंग्स में भी काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स हैं और उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और
उनको भी यूज़ किया जा सकता है फॉर डिफरेंट पर्पस। और इवेंट्स भी हम ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म के इवेंट्स, ऑन रिसीव डैमेज, ऑन डेड, ऑन एनेबल कंट्रोलर, डिसेबल कंट्रोलर और ऑन एक्टिव रेक्टॉल। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ये थोड़ा एडवांस है जिस इवेंट्स कैसे ऐड किए जाते हैं, और ये भी हम इंशाल्लाह सीखेंगे। एनी हाउ प्ले करते हैं गेम और देखते हैं रिजल्ट कि क्या रिजल्ट है। तो अभी आप देख सकते हैं क्योंकि हमने वे पॉइंट ऐड नहीं किया तो वो अपनी जगह पे कांस्टेंट खड़ा रहेगा, और अगर हम इसको यहाँ पे आके मारते हैं तो इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। हाँ ये अभी आया, अब हमारे पीछे आता है, और लेकिन ये कुछ पंचिंग वगैरह कर नहीं रहा, तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हमने कोई चीज़ मिस की है शायद, तो डैमेज भी नहीं ठीक होगा। तो इसको देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। सिविलियन एनिमी टैग्स भी बिल्कुल ठीक हैं जी, और थोड़ा सा इसको रीचेक कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें गलती ये हो सकती है कि हमने जो एनिमी क्रिएट किया है उसको हमें एक्चुअली माली एनिमी क्रिएट करना चाहिए था कंट्रोलर में, और आई थिंक के यही प्रॉब्लम है। तो जल्दी जल्दी से हम ऐड कर लेते हैं इन्वेक्टर एआई कंट्रोलर क्रिएट न्यू एआई। यहाँ पे हमने एक्चुअली यहाँ पे तो चलें वही हम चूज़ कर सकते हैं सिविलियन, और आई होप कि ये काम करेगा। एनिमेटर कंट्रोलर जो हमने सेलेक्ट किया था उसमें हम बेसिक लोकोमोशन नहीं सेलेक्ट करेंगे बल्कि माली कंपैक्ट सेलेक्ट करेंगे, फॉर इवन हमने अगर करना हो पंचिंग वगैरह भी देनी हो तो तब भी। और अब हम सिविलियन फाइटर चूज़ कर सकते हैं और क्रिएट, आई होप कि अब ये काम करेगा। यहाँ पे जाते हैं, इसको लेके आते हैं यहाँ पे। ये मेरे ख़्याल से हमारी गलती थी कि हमने बिल्कुल वो सिविलियन चूज़ कर लिया था जिसमें बेसिक लोकोमोशन चूज़ किया था जो कि हमारे एनिमी से कंपेटेबल नहीं था, हमारी जो फंक्शनलिटी थी उसके साथ। तो एनी हाउ हम आ जाते हैं यहाँ पे, और उसी तरीके से हम सबसे पहले इसका एक बना लेंगे पॉइंट, पिकिंग पॉइंट, और उसको हम बना लेते हैं हेड पे बना लेते हैं, और इसको कह देते हैं जी रेफरेंस पॉइंट, रेफ पॉइंट कह देते हैं इसको, और रेफ पॉइंट को हम आईज की जगह पे ले जाते हैं क्यों। और इसके बाद हमने क्या करना है, एनिमी पे जाएंगे, माली कंट्रोलर डिटेक्शन, डिटेक्शन में हमने रेफरेंस पॉइंट ऐड करना है, नीचे आएंगे प्लेयर, और प्लेयर उसके बाद मज़ीद नीचे आएंगे तो माली मैनेजर, ओपन डिफ़ॉल्ट इन्फो, ये डैमेज टैग प्लेयर चेंज करेंगे, सेव करेंगे और ट्राई करते हैं। आई होप कि अब इसको मारना चाहिए। हाँ ये आप देख सकते हैं अभी ये अब हमें रिस्पॉन्ड करता है और पंचिंग कर रहा है हमें, ठीक है, और इसने हमें मार दिया। तो सक्सेसफुली जी, ये हमारा प्रॉब्लम वही था कि हमने जो है वो सिविलियन जो है बेसिक लोकोमोशन ऐड किया था। अच्छा, इसी तरीके से हम जो ऐड कर सकते हैं माली एनिमी भी, और इसी वीडियो में हम तीनों काम कर लेते हैं। और माली जो होता है जिसके पास आपका जो होगा वीपन होगा
और हम अपने सिविलियन को इस यानी एनिमी को वीपन दे सकते हैं। और बेसिक कंसेप्ट वही है कि हमने एआई कंट्रोलर सेलेक्ट करना है, बनाना है, और वहाँ से हमने सेटिंग में माली जो था वही चूज़ किया हुआ था। हाँ, हम इस पे नहीं कर सकते क्योंकि इसको हमने आगे जो FSM बिहेवियर है इसका डिफरेंट दिया है, माली नहीं दिया। तो अब इसको हम एज ए सिंपल फाइटर सेव कर लेते हैं, सिविलियन, और इसको कह देते हैं सिविलियन एनिमी, इंटर, और इसको हम अपने प्रीफैब्स में करेक्टर्स में जो एनिमीज हैं यहाँ पे फर्स्ट एनिमी इधर ऐड कर देते हैं। अब हमने सिर्फ इसको ड्रैग ड्रॉप ही करना होगा जब भी हमने इसको यूज़ करना होगा। इसके साथ हमने सारी चीज़ें जो हैं, रिक्वायरमेंट्स जो हैं, वो ऐड कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो को इधर तक ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमी बनाते हैं मालिक कंपेट।